الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت मुआज़्ज़ज़ सामईन किराम, दीन मिल्ले भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, आज के खुतबे जुमा के अंदर जिस मौजू पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, वो है मौत एक अटल हकीकत। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि कहा अहबाब ने हर दफ्न के वक्त, कहा अहबाब ने हर दफ्न के वक्त, अब हम वहाँ का क्या हाल जाने, लहद तक आपकी ताज़ीम कर दी, अब आगे आपका आमाल जाने। सामईने किराम, इंसान इस दुनिया के अंदर आया है जाने के लिए। यहाँ हमेशगी की ज़िंदगी और जावेदानी किसी को हासिल नहीं है। कोई भी यहाँ पर हमेशा रहने के लिए नहीं आया, और आप इसका बतौर सबूत और दलील इसी बात को ले सकते हैं कि अगर दुनिया के अंदर किसी को बका और हमेशगी की ज़िंदगी मुयस्सर होती तो इमामुल अंबिया खैरुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत ना होते, उन पर मौत ना आती। ये हमें बतलाते हैं कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मौत से छुटकारा किसी को नहीं है। एक ना एक रोज मौत का आहनी पंजा इंसान को अपने चपेट में लेने वाली है। फिर आखिर हम किस दिन के लिए खुद को अल्लाह का नफरमान बनाए फिर रहे हैं? हम क्यों अपने आप को कुरान और हदीस के मुखालिफ बनाए हुए हैं, जबकि हमें मालूम है कि एक रोज आएगा कि हमें सबका हिसाब और किताब देना है। समईन किराम, अरबी शायर ने बहुत अच्छे अल्फाज में तर्जमानी की है, कहा अल मौत कदहुन कुल कुल्लु नफ्सिन शारिबहु والقبر باب كل نفس داخله। मौत ये एक ऐसा प्याला है कि हर जी रूह को, हर नफ्स को उससे पीना है, और कब्र ये एक ऐसा दरवाजा है कि हर किसी को उससे गुजरना है। मालूम यह हुआ कि मौत से छुटकारा किसी को नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर किसी को यहां से जाना है। यहां पे कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। और अरबी शायर ही का दूसरा शेर, लव कान फि दुनिया बकाऊ लमा मात खैरुल मुरसलीन मुहम्मद, अगर इस दारी फानी के अंदर किसी को बका हासिल होती तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी ना होती, वो दुनिया से रुखसत ना होते। समईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद ताकीद और लोगों को दुनिया से बेरगबत होने के लिए यह तालीम दी। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 34-35, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफइन मित्ता फहुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी को भी हमेशगी की जिंदगी नहीं दी, और ये कुफार मुशरिकीन अगर ये समझ रहे हैं कि नबी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हम बाकी रहेंगे, तो उनसे बता दो अफइन मित्ता फहुमुल खालिदून, क्या आप जब मर जाएंगे, आपकी वफात दुनिया से हो जाएगी, क्या ये बाकी रहेंगे? इनको नहीं मरना है, इनको अपने अमाल का हिसाब किताब नहीं देना है। ये किस सोच में है, किस गुमान में है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नहीं नहीं, बल्कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जीरो को मौत का प्याला पीना है, चाहते और ना चाहते हुए। जिस तरीके से ये चीज बिल्कुल आया है, हर किसी को मालूम है
कि मौत एक अटल हकीकत है जो हमारे तदबीर करने से टलने वाली और हटने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ताज्जुब की बात है कि लोग इसको नापसंद करते हैं, लोग इससे भागते हैं और जाए पनाह तलाश करते हैं कि हम कहीं जा करके बच जाएं या दुनिया में ज्यादा से ज्यादा वक्त पा जाएं। सामईन किराम, कुरान मुकद्दस तो साफ तरीके से फरमाता है कि मौत का जो वक्त मुतायन और मुकर्रर है वो अपने वक्त पर आकर के रहेगी, गो तुम कहीं पर भी जाकर के छिप जाओ, न एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद, जो वक्त मुकर्रर है मौत उसी वक्त पे आकर के तुम्हें दबोचेगी और तुम उससे बच नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 78 के अंदर इरशाद फरमाया, अयनमा तकूनु युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मौत का आहनी पंजा तुम्हें अपनी चपेट में लेकर के रहेगा, चाहे तुम मजबूत से मजबूत किले के अंदर अपने आप को महसूर क्यों ना कर लो, शीस किले के अंदर हो जाओ कि यहां पर हवा भी पास नहीं होती, फरिश्ते नहीं आ सकते, लेकिन अगर वक्त मुतायन आपका आ गया है, इंसान का मुकर्रर वक्त आ गया है, तो मौत वहां भी पहुंचेगी। आप मजबूत से मजबूत किले के अंदर बंद हो जाए जहां पर किसी आदमी की रसाई नहीं होती, पहुंच नहीं सकता, लेकिन जब वक्त मुतायन होगा तो फिर वहां पर भी मौत जाकर के दस्तक देगी और आप हमेशा के लिए, या यूं कह लीजिए कि इस दारी फानी को हमें और आपको अलविदा कहना होगा, रुख्सत कहना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 11 के अंदर इरशाद फरमाया, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुन बिमा तअमलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी नफ्स को एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देता जब उसका वक्त मुकर्रर आ जाता है, वल्लाहु खबीरुन बिमा तअमलून, और जो कुछ तुम लोग अमल करते हो अल्लाह ताला उससे बखूबी वाकिफ है, अच्छे तरीके से वो जानता है कि तुम दुनिया के अंदर क्या कुछ कर रहे हो और क्या कुछ करते रहे हो हमेशा। लिहाजा जब मौत ये एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे किसी का इनकार नहीं, तो फिर हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद की जिंदगी की तैयारी करनी चाहिए। समीन किराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया आप लोगों ने गालिबन सुना होगा, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 1339 और सही मुस्लिम के अंदर 2372। यह हदीस सही है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صك فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया मलकुल मौत को, मौत के फरिश्ते को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया। फलम्मा जाअहु सक्कहु, जब मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, मूसा अलैहिस्सलाम जलाली इंसान, हक के लिए बातिल को खत्म करने के लिए वो बहुत जलाली थे, उन्होंने देखा कि मलकुल मौत मेरे पास आया है फरिश्ता। रावी जो शारह शुरह हदीस है वो कहते हैं कि इंसान की शक्ल में फरिश्ता आया और उससे कहा कि आपका वक्त मुतायन खत्म हो चुका है, हम आपकी जान लेने आए हैं। कहा कि हाँ मलकुल मौत, तू तेरी ये जुरत, तेरी ये मजाल कि तू मूसा की मौत लेने आया है। फसक कहो, उसे एक हाथ मारा और सही मुस्लिम की रवायत के अंदर उसकी आंख निकल गई, बाहर आ गई। वो फरिश्ता मलकुल मौत वापस जाता अल्लाह के पास, कहता है फकाल, मलकुल मौत कहता है अरसल तनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, अल्लाह तूने तो मुझे एक ऐसे बंदे के पास आज भेज दिया जो मौत चाहता ही नहीं है, जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते से कहा, इरजिउ इलैह फकुल लहु यज़ऊ यदहु अला मतन थौरिन फलहु बिमा गत्ता यदहु बिकुल शअरतिन सना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फरिश्ते से, उसकी आग ठीक की, सही सलामत किया और कहा कि जा और मूसा से कह दे कि वो एक बैल के पीठ पर अपने हाथ को रखे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले एक साल उसकी जिंदगी में इजाफा कर दिया जाएगा। आफर पेश किया गया, जब फरिश्ता मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता दोबारा आता है और कहता है कि आफर आपके सामने ये है
आपको कबूल हो तो आप बैल के पीठ पे हाथ रखिए। काल मूसा सलाम फिर पूछते हैं, ऐ रब सुम्मा मादा, या अल्लाह उसके बाद क्या होगा? रब्बे करीम, मैं बैल के पीठ पे तो हाथ रख देता हूं, जितने बाल मेरे हाथ के नीचे आएंगे साल में मेरे जिंदगी में इजाफा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह रब्बुल अलमीन ने फरमाया सुम्मल मौत, फिर उसके बाद मौत आएगी। قال فالآن मूसा सलाम ने कहा फिर अभी मंजूर है, जब मौत आनी ही आनी है, मौत से छुटकारा नहीं है, तो फिर चार साल बाद क्या, चार साल पहले क्या, मुझे आज ही मौत मंजूर है। लिहाजा मलकुल मौत हज़रत मूसा सलाम की रूह को कब्ज कर लेते हैं। आप अंदाजा लगाएं इस दारी फानी के अंदर जो सबसे अफजल लोग सहाबे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जमात, वो मौत से नहीं बच सके, मौत उन पर भी आई। और इमामुल अंबिया जो अंबिया के इमाम है हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें भी मौत आई। तो हम और आप किस गुमान में हैं, किस सोच में हैं, और हम क्या सोच करके हर चीज की क्वालिटी A1 होनी चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए, वारंटी भी हमें पसंद नहीं आती, गारंटी होनी चाहिए। हम किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए हम जमा कर रहे हैं? हमें नहीं जाना इस दुनिया से, हमें भी तो यहां से जाना है आखिरकार। समईना किराम, ये हदीस ये बतलाती है कि मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं है। मौत का जब वक्त मुकर्रर आ जाएगा तो वो अपने चपेट में लेकर के रहेगी, गो तुम कहीं पर भी छिपे रहो, गरचे तुम उसे नापसंद करते हो, उससे भागते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह जुमा आयत नंबर 8 के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरूना मिन्हु فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون। मौत को हम ना पसंद करते हैं, मौत से भागते हैं, हम नहीं मरना चाहते, हमारी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती। एक ज़ईफ बाप, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे की शादी को देखूं, अपने बच्चे के मैं अपने पोतों को खिलाऊं, मेरी ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश पूरी हो जाए फिर देखा जाएगा। अभी एक मैंने बिल्डिंग तैयार की है, एक और बन जाती तो ठीक होता, फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं करता, फिर अल्लाह की इबादत कर लेता। सामईने किराम, अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान के उम्र के साथ साथ दो चीजें और उसकी बढ़ती रहती हैं, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं उसके साथ साथ, कि काश कि ये चीज है एक और गाड़ी आ जाती, एक घर है एक और घर हो जाता। ये उसकी ख्वाहिश बढ़ती रहेगी यहां तक कि वो कब्र की गाड़ी से जा मिलेगा और उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। سامعین کرام, इस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया قل ان الموت الذي تفرون منه, तुम जिस मौत से भागते हो नापसंद करते हो, فانه ملاقيكم, बिला शुबा वो तुमसे आ मिलेगी, तुमसे मुलाकात जरूर हो करेगी। ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده, फिर तुम लौटाए जाओगे उस रब की तरफ जो عالم الغيب है, जो पोशीदा और सामने सारी बातों को जानता और देखता है। लिहाजा फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों से तुम्हें बाखबर करेगा कि देखो दुनिया के अंदर तुमने क्या कुछ किया था, या तुम्हारा नाम अमाल तुम्हारे सामने है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो मौत को नापसंद ना करके उसे चाहिए कि वो ये दुआ करे, अल्लाह तुम्हें मुझे जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो तब तक बाकी रख, और अगर जिंदगी में मेरे कोई खैर ना हो तो अल्लाह तुमसे मौत दे दे। मौत से भागना ये जिस पर, या मौत से बचना ये वो लोग करते हैं जिनको अल्लाह पर ईमान नहीं होता, जिनका ईमान नहीं होता कि हमें उसका बदला मिलने वाला है, वो लोग मौत से भागते और मौत को नापसंद करते हैं। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين। سوره المنافقون ايه نمبر 10, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگو تمہارے پاس جو اللہ نے رزق دے رکھا ہے, جو تمہیں اللہ نے روزی اور نعمت دے رکھی ہے, چاہے وہ جائیداد اور روپے پیسے کی شکل میں ہو, चाहे वो गल्ला जात की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और प्रॉपर्टी की शक्ल में हो, तुम उनमें से खर्च कर लो अल्लाह के रास्ते में खैरात देकर के, अपने लिए आखिरत के लिए कुछ जखीरा कर लो। क्यों?
क्योंकि जब तुम में से किसी के पास मौत आती तो वो क्या कहता, फयकूल वो कहता है रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह तो मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों नहीं दे देता, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, फअसद्दक वअकुन मिनस सालिहीन, मैं सदका खैरात कर लेता और नेक लोगों में से हो जाता, सालेह लोगों में से हो जाता। समईन किराम, ये ख्वाहिश इंसान कब करता है, जब मौत को अपनी नजरों से देख लेता है। और बहुत सारी आयात है कि जब वो मौत को देखेगा तब उसकी आंख खुल जाएगी और कहेगा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, लअल्ली अअमलु अमलन सालिहा, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं अब अमल सालेह करूंगा, नेक अमल करूंगा, जो कुछ मैंने नहीं किया है मैं उसको करूंगा, अल्लाह तू मुझे मोहलत दे दे। लेकिन उस वक्त ये तमन्ना ये ख्वाहिश महज एक कौल होगा, एक कलिमा होगा, जो कोई फायदा पहुंचाने वाला ना होगा। सामईन किराम, इसीलिए बारहा रिमाइंडर के तौर पर यह बताया जाता है कि लोगों वक्त को गनीमत जानो, और जब तक हमें एक ये दुनिया के अंदर सांस हमारी चल रही है, हम एक एक लम्हे एक एक सांस को गनीमत जाने और अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल के बताए हुए फरमान के मुताबिक जिंदगी को बसर करें, यही हमारे और आपके लिए बेहतर है। सामईन किराम, हम अपने माशरे के अंदर रहते हैं, आज हम मौत को बिल्कुल भूल चुके हैं, हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं, हमारे दिलों पर जरा भी नरमी की बू नहीं है कि कुछ हम देखें मामलात को, अपने हालात को, अपने समाज के मामलात को देख करके हमारे दिल नरम पड़ जाए। हम रोजाना कितने जनाजे को उठाते हैं, आए दिन हम अपने कंधों पर जनाजों को उठा करके कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, दफन करते हैं, कब्रिस्तान के अंदर हम दाखिल होते हैं, लेकिन हमारे दिल नरम नहीं होते। हमें यह नहीं समझ में आता कि कल हमारी बारी होगी, कोई हमें इस तरीके से उतार रहा होगा। यहां एक कुर्सी मौजूद होती थी, एक ज़ईफ शख्स बैठा करता था, ज़हीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, जिन्हें हम सब मोहब्बत से दादा कहा करते थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। किसको मालूम कि वो शख्स पिछला जुमा पाएगा उसके बाद का जुमा नहीं पाएगा, किसको खबर थी। लेकिन जो उनकी खिदमात हैं, जो उनके जाहिरी आमाल हैं, जिस तरह उनका ताल्लुक और रवैया हम तमाम लोगों के साथ रहा है, और जिस जगह आज हम सब जमा होकर की नमाज पढ़ रहे हैं, इसके ताल्लुक से उनकी खिदमात क्या है मैं उसको बयान नहीं करूंगा। बस मुख्तसरन ये कि इस मर्द मुजाहिद ने, इस बंदगान खुदा ने इतनी लंबी और ज़ौफ और कमजोरी के बाद भी दूर से चल करके यहां तक आता, यहां तक कि कभी कभार ऐशा के इंतजार में बैठे बैठे यही बैठे रहते, जब अजान होती नमाज पढ़ करके जाते। लेकिन आज हमारे दरमियान वो नहीं है, क्या ये हमें सबक नहीं दे रहा है कि लोगों एक एक वक्त जो मुयस्सर है उसको गनीमत जान लो, क्योंकि कब किसकी जिंदगी की शाम हो जाए किसी को मालूम नहीं। आज ये जगह खाली है, वल्ला निगाहों से नजर आ रहा है कि अभी दादा आएंगे और सबको हटा करके अपना चेयर यहां पे लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे। समय ने किराम, ये हमें सबक देकर गए। बहुत सारे लोग हमारे समाज के अंदर चलते फिरते नौजवान हट्टे कट्टे, आदमी सोचता है कि अभी तो मेरी उम्र 18-20 साल 25 साल की है, अभी पूरी उम्र बाकी है, 60 साल के हो जाएंगे तो जाएंगे अगले सफ में बैठ जाएंगे, रोजा नमाज कर लेंगे। किसने जमानत दी, किसने तुम्हें यह बतलाया कि तुम्हें 60 साल की जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी। क्या हम लोगों ने अपने समाज के अंदर एक मासूम बच्चे को जो मां की रहम के अंदर है मरते हुए नहीं देखा? क्या हमने अपने समाज के अंदर नौजवान बच्चा 18-20 साल की उम्र उसको हमने मरते हुए नहीं देखा? क्या हमने अपने समाज के अंदर 40-35 साल की दरमियाने उम्र में, जबकि बिल्कुल नौजवानी का उम्र होता है, क्या हमने मरते हुए जनाजे को नहीं उठाया अपने कंधों पर? क्या हमने अपने समाज के अंदर 60-70-80 साल की उम्र के ज़ईफ लोगों का जनाजा कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचाया? हमारी माएं मौजूद हैं, क्या उन्होंने अपने समाज के अंदर अपनी नई नवेली दुल्हन का जनाजा नहीं देखा?
سامعین کرام, موت بتا کر کے نہیں آتی, موت کا وقت متعین ہے, لیکن اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, انسانوں کے پاس نہیں ہے. اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو وہ مرنے سے, موت سے پہلے مر جائے, وہ جی نہ پائے وہ. سامعین کرام, اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایک ایک اوقات کو غنیمت جانے, اور جو لوگ سماج کے اندر سے ہمارے ایک ایک کر کے ختم اٹھائے جا رہے ہیں, ہم نصیحت حاصل کریں. ہم یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہمیں بھی جانا ہے. کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے, یہ جگہیں جو ہمارے نوجوان نونہالوں سے بھری ہوئی ہے یہ خالی ہو جائے گی, ان کی جگہ کوئی اور آ کے بیٹھے گا, ہم نہیں یہاں ہوں گے. ہم کیوں نہ اسے اعمال کر کے جائیں جو کل کو کام آئے ہمارے, ہم کیوں نہ اپنے آنے والی نسل کو وہ تعلیم دے کر کے جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے. ہمارے کچھ گارجنس والدین کچھ یہاں موجود ہوں گے سماج کے اندر, میں خاص طور سے خصوصاً ان سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنے اولاد کی تربیت میں آپ دھیان دیں, اپنے اولاد کی تربیت میں آپ خاص طور سے دھیان دیں, کیونکہ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اگر آپ نے اس پر اس کو بنا سنوار دیا تو آپ کے مرنے کے بعد بھی تمہارے آپ کے کام آنے والے ہیں, اور اگر آپ نے اس کو ناکارا نامرد چھوڑ دیا تو پھر یہ تمہارے لیے وبال جان بھی بن سکتے ہیں. آج معاشرے کے اندر ایک جوان بالکل ہٹا کٹا گھومتا, رات 12 بجے تک محلے کی گلیوں کی کھاک چھانتا ہے, گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی, گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں کہ میرا بچہ گھر کے اندر ہے یا نہیں ہے, کب گھر میں آ رہا کب گھر سے جا رہا کچھ خبر نہیں. سامعین کرام, ہمیں تربیت کرنی ہوگی. لوگ بولتے کہ میں کہتا تو ہوں لیکن سنتا نہیں مانتا نہیں, وہ کس طریقے سے کہتے معلوم, بچہ دیکھ رہا ہے بچہ بیڑی پی رہا ہے, باپ ادھر سے آ رہا ہے ہاتھ میں سگریٹ جلائے ہوئے, جس کی مار رہا ہے کھینچ رہا ہے دھوئے کو سگریٹ کو, اب بولتا ہے شر بیڑی پی رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے, ہاتھ میں سگریٹ لے کر کے بچے کو ڈانٹ رہا ہے سگریٹ مت پی, زہر ہاتھ میں لے کر زہر کھا رہا ہے بچے کو کہہ رہا ہے زہر مت کھا. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے, یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے, بچے اس سے کیا اثر لیں گے. ہم اذان کی آواز سنتے ہیں, باپ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, بولتا میں اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوں, ٹی وی کے سامنے اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, فحش اور ننگی تصویریں سامنے آ رہی ہیں, اذان کی آواز سنتا ہے, بچے سے کہتا ہے بیٹا جا نماز پڑھ کے آ, اور خود اپنے بیڈ روم میں آرام سے ریسٹ کر کے پیر پھیلائے اپنے دنیا میں مگن ہے. یہ بچے کی تربیت اس طریقے سے کی جاتی ہے, بچے کی تربیت اس طریقے سے ہوتی ہے. اگر لوگ کہتے بھی ہیں, چاہے وہ سماج کے اصلاح کرنے والے ہوں, عالم یا امام کچھ کہتا ہے تو بولتے امام صاحب عالم صاحب یا اصلاح کرنے والے جو ہوں, میں بچے کو بہت سمجھاتا ہوں میری بات مانتا نہیں ہے. خدا کے واسطے, خدا کے واسطے اپنے آپ کو آپ مضبوط کر لیں, اپنے آپ کو کسی کام پہ آپ لگا لیں جما لیں, پھر اس کے بعد اس چیز کا حکم دے کر کے دیکھیں. اگر اولاد نہ بات مانے تو پھر آ کر کے مجھ سے کہنا کہ میری بات ابھی نہیں مان رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اس گناہ کو کھلم کھلا طور سے کرتے ہیں اور بچے کو چاہتے ہیں میرا بچہ بالکل صاف شفاف ماحول میں رہے. اس کا جو پہلا درسگاہ ہے, جو پہلا ماحول ہے وہ گھر ہے, ماں کی گود ہے, اور والدین کے درمیان کا ماحول ہے. اس کو آپ بنا کر کے رکھیں, اس کو آپ سنوار کر کے رکھیں, بچہ اسی طریقے سے اس پہ سے نکلے گا. دیکھیے اینٹ جو ہوتی اینٹ وہ اسی طریقے سے نکلتی ہے جس طریقے سے سانچا ہوتا ہے. جب سانچا ہی ٹیڑھا رہے گا تو پھر اینٹ کی ہم امید لگاتے ہیں, اینٹ ٹیڑھی سیدھی کیوں نہیں نکل رہی ہے, ٹیڑھی کیوں ہو رہی ہے. سامعین کرام, والدین موجود ہیں, والدین آپ سانچے کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیجئے, ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز اس سے نکلنے والا اینٹ سیدھا نکلے گا, آپ کی آنے والے نسل سیدھی رہے گی. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ خود زہر پی رہے شراب نوشی کر رہے سگریٹ پی رہے اور بچے کو منع کر رہے تم سگریٹ مت پیو گناہ ہے, تم نماز پڑھنے جاؤ اور خود بیٹھ کر کے ٹی وی کے اسکرین کے سامنے اپنے کام میں مشغول رہے, اس طریقے سے اولاد کی تربیت نہیں ہوتی. اور بعض لوگ شکایت کرتے, بعض لوگ شکایت بھی کرتے کہ میرا بچہ جو ہے یہ بات نہیں سنتا ہے, اس کو آپ سمجھا دیجیے, بچے کو آپ سمجھا دیجئے. سامعین کرام, امام صاحب کے پاس, عالم صاحب کے پاس, کسی مبلغ اور دائی کے پاس کوئی ایسا نسخہ یا کوئی جام نہیں ہے اس کو پلا دے وہ سیدھا ہو جائے, محنت کرنی پڑتی ہے اس پہ.
आपको ध्यान देना पड़ेगा। सुबह को फजर की अजान हुई, मेरा बच्चा उठा कि नहीं उठा, माएँ बैठी हैं उनको ध्यान देने होगी, मेरी बच्ची मुसल्ला उठ उठ करके वजू बना करके मुसल्ला बिछाया या नहीं बिछाया। फजर की नमाज के बाद बच्चा कहाँ गया, सुबह की फजर की नमाज पढ़ा, फजर के लिए बोला घर से नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मस्जिद तक आया नहीं आया, कहाँ गया, इसकी खबर होनी चाहिए आपको। स्कूल का वक्त हुआ, बच्चा स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, फिर उसके बाद कहाँ गया, इसकी खबर होनी चाहिए आपको। रात का वक्त हुआ, ऐशा की नमाज अदा की, उसके बाद बच्चा किसके साथ बैठ के क्या कर रहा है, इसकी खबर होनी चाहिए आपको। जब वालिदैन इस पर ध्यान देंगे तब औलाद की तरबियत होगी, वरना सिर्फ ये कह करके इमाम साहब दुआ कीजिए मेरा बच्चा सही हो जाए, ये तो बस एक ख्वाब है, ऐसा ख्वाब जो पूरा नहीं हो सकता, यह ख्वाहिश करनी है, इस तरीके से तरबियत नहीं होती। बहरहाल मैं दूसरी तरफ चला गया, कहना यह चाहता हूँ कि सामईन किराम, आप अगर अपने औलाद की तरबियत अच्छी करेंगे तो आपके मरने के बाद भी ये आपके काम आने वाले हैं, और अगर आप इनकी तरबियत सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये बच्चा अगर कल को गलत रास्ते पर रहेगा तो फिर इसके जिम्मेदार आप भी रहेंगे, और आपसे कल कयामत के रोज सवाल किया जाएगा, कुल्लुकुम मसूल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रईयतिही, तुम्हें का हर कोई निगरा निगहबान है, और कयामत के रोज पूछा जाएगा उससे कि तुमने अपनी रईयत अपने मातहत के साथ कैसा बर्ताव किया, क्या कुछ सिखाया उसको। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम खास तौर से वालिदैन अपने आप को सीधे रास्ते पे लाएं और ऐसा माहौल बच्चे को दें जिससे वो सीधे रास्ते पे रह सके। बहरहाल आगे बढ़ते हुए मैं चंद बातें और बयान करके आप सामने बात खत्म करता हूं, वो ये कि हम और आप समझते हैं कि मौत बहुत आसान है, आएगी मौत मर जाएंगे, हम ये सोचते आएगी मौत मर जाएंगे क्या हो जाएगा। सामईन किराम, मौत की सख्तियां हैं, मौत की सख्तियां हैं, हड्डियां टूट जाती हैं ऐसा महसूस होता है। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह काफ आयत नंबर 19 के अंदर इरशाद फरमाया, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, मौत की सख्तियां हक है, मौत की सख्ती होती है, और इसकी दलील वाज़ह दलील सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो हदीस जिसके अंदर बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 4449 वो बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्ज़ुल मौत के अंदर मुब्तला हुए, आखिरी लम्हा था, तो आप सल्लम का सर मेरी गोद में था, आपके बगल में एक प्याला रखा हुआ था पानी से भरा हुआ, आप सल्लम उस प्याले में अपने हाथ को डालते, अपने अपने चेहरे पे मलते, अपने चेहरे पर फेरते और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत लसकरात, नहीं है कोई महबूस सिवाय अल्लाह के, यकीनन मौत की सख्तियां हैं, यकीनन मौत की सख्तियां हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और कहा फी रफीक आला, फी रफीक आला, इतने में आपकी रूह कब्ज कर ली जाती है, आपकी रूह परवाज हो जाती है और आपके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। मौत की सख्तियां हैं, हम समझते हैं कि बस मौत आएगी चले जाएंगे क्या होना। समय किराम, जब मौत का झटका इंसान को लगता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, तब उसको हकीकत समझ में आता है कि मैं कहां था, क्या कर रहा था, मुझे क्या करना चाहिए था। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, उनके ताल्लुक से बयान किया जाता है कि जब उनका आखिरी वक्त आया, जाकने का आलम आया, वो रो रहे थे, लोग बैठे हुए हैं, पूछने लगे कि आप रो क्यों रहे हैं, आप तो सहाबी अल्लाह के नबी के सहाबी, आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि मैं इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूं, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मेरे मौत का वक्त आ रहा है, मैं इस वजह से रो रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि जो जिस सफर पे मैं निकलने वाला हूं, यानी ये सफर है, जिस सफर पे मैं निकलने वाला हूं, मेरे लिए मेरा ज़ादे राह काफी है या नहीं काफी है, क्या मैं अपने मंजिल तक सही तरीके से पहुंच सकता हूं, हमने अपने इस आखिरत की सफर के लिए क्या तोशा तैयार किया है, क्या ज़ादे राह तैयार किया है, हमने कितना अपने लिए ऐसा सामान इकट्ठा किया है कि कल ये सफर आखिरत के सफर में हमारे काम आए। सामईन किराम, कहना यह चाहता हूँ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, उन तमाम लोगों का बयान है कि मौत की सख्तियां हैं और इंसान की आंख खोलने वाली हैं, और इसकी सबसे बड़ी दलील जो मैंने बयान की
सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लम को भी उसकी सख्ती महसूस हुई और अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्म इन्नी आऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मौत की सख्तियों से पनाह चाहता हूँ, पनाह में आता हूँ। सख्तियाँ मौत की होती हैं, लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम उस सफ़र की तैयारी करें और उस सफ़र की तैयारी में अपने ज़ाद राह में अच्छे से अच्छे आमाल को इकट्ठा करें ताकि कल हमारे लिए काम आ सकें, वरना महज ये सोच करके कि जी रहे हैं खा ले पी ले जी ले गुजर जाएगा क्या होगा। सामईन इकराम, इस तरीके से ज़िंदगी, इस तरीके से आखिरत बर्बाद होने को है, आपको नाकामी या हमें नाकामी मिलने वाली नहीं है। लिहाजा आपसे आखिर में चलते चलते मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप मौत को हमेशा याद रखें, हमेशा हमेशा मौत को याद रखें। हमारे पास बहुत सारी बातें थी, फिर इंशाअल्लाह तआला अज़ीज़ कभी बात की जाएगी, बस मुख्तसरन ये कि आप मौत को मत भूलें और वालिदैन अपने औलाद की तरबियत पर खास तरीके से ध्यान दें, खास तौर पर ताकि कल को उनके जाने के बाद वो बच्चे भी कल ज़ियारत के लिए जाएं और आपकी कब्र पे जा करके आपके अज़ाब को ठंडा कर सकें, दुआ करें आपके लिए, अल्लाह से मगफ़रत करें। और अगर आपने इसे तालीम नहीं दी तो बच्चे फिर इधर दफन करके आए, उधर फिर अपने पबजी अपने काम में मशगूल, नहीं मालूम कि मेरा कौन था, बाप था, भाई था, बेटा था, कुछ नहीं मालूम। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को समझें और अपने मकाम को समझें और उसके साथ साथ आखिरत की तैयारी के लिए ढेर सारी नेकियां करें ताकि कल कयामत के रोज़ वक्त तुम्हारे काम आ सकें। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, बार इलाहा तो हमें, हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमले सालेह करने की तौफीक अता फरमा, बार इलाहा तो हम तमाम लोगों को इस दारी फानी के अंदर जब तक जिंदा रख ईमान और इस्लाम के साथ जिंदा रख, हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला बना और जहाँ हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। तकब्बल या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।